हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन का लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक, इसकी समरी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से अपन नए पैटर्न से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। वी एंकर्ड ऑफ शोर ऑफ द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट ऑफ द आइलैंड शेयर्ड एज दे हेल्प अस अशोर। यानी अब इनका शिप बिल्कुल आइसलैंड के किनारे पहुंच गया था और वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने चेयरफुल तरीके से इनका हेल्प की। विथ लैंड अंडर माय फीट अगेन माय थॉट्स वेयर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस ऑफ माय मेरी हु सेज एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर मोस्ट ऑफ ऑल I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull of a 6-year-old boy who was not afraid to die. अब देखिए ये क्या हो रहा है, लोग बच गए। इसने ये बताया है कि जो उसकी 6-7 ईयर की बेटी थी उसके सिर में ब्लड क्लॉटिंग हुई थी, ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जम गया था, और उसका 7 वर्षीय लड़का जो डरने नहीं डरा और उन लोगों ने मरने से बचा लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस पूरी स्टोरी को समरी, स्टोरी की समरी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये समरी मेरे पास यहाँ पर ये शो कर रही है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। हम लोग को डरने मरने से नहीं डरना चाहिए। ठीक, या मरने से नहीं डरते यदि हम एक साथ रहते हैं। द नरेटर एंड हिज वाइफ लर्न टू वॉयस अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम कुक। नरेटर और उसकी पत्नी जेम्स कुक की भांति पूरे वर्ल्ड में समुद्री यात्रा पर निकले। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफॉर्मिंग देयर सी थिएटरिंग स्किल फॉर द फर्स्ट 16 ईयर। ये दोनों समुद्र में जाने के लिए पिछले 16 साल से तैयारी कर रहे थे। दे गेट अ शिप विच इज 23 मीटर लॉन्ग एंड वेट 30 टन वुडन हल नेम वेव वॉकर। और उन्होंने जो शिप ली थी वो 23 मीटर लंबी थी, 30 टन वजनी थी, और उसका नाम उन्होंने वेव वॉकर रखा था। दे टेस्ट इट इन अ रफ वेदर फॉर मंथ। इन्होंने इसकी टेस्टिंग करीब महीनों तक की थी कि वे रफ वेदर में कैसे चल सकते हैं। इन जुलाई 1976 दे ऑल स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम पॉलीमॉथ इंग्लैंड। दे सेल फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन विच वॉज क्वाइट प्लीजेंट जर्नी। उन्होंने इंग्लैंड के पॉलीमॉथ जगह से चलना शुरू किया और केप टाउन तक आए तो उनकी जर्नली बहुत अच्छी चल रही थी। बिफोर हेडिंग ईस्ट द नरेटर हायर टू ड्रूमैन लैरी एंड हर्ब सेगर टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सी द साउथ सदर्न इंडियन ओशन। इन्होंने दो लोगों को, क्रूमैन को अपने साथ रखा क्योंकि वे सदर्न यानी दक्षिणी भारतीय द्वीप सागर में जाना चाह रहे थे। दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव ड्यूरिंग द सेकेंड डे। दूसरे दिन उन्होंने क्या हुआ, बहुत समुद्री तूफानों का सामना करना शुरू किया। बाय दिसंबर 25th दे ऑल मैनेज टू रीच 35,000 किलोमीटर ईस्ट टू केप टाउन। और वे 25 दिसंबर को उनने केप टाउन के ईस्ट में यानी पूर्व में 35,000 किलोमीटर जाने की तैयारी की। द फैमिली समहाउ मैनेजेस टू सप्रेस द बैड वेदर एंड सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर। क्रिसमस को इन्होंने बनाया जबकि मौसम बहुत बेकार था। द वेदर चेंजेस फॉर द वर्स्ट एंड जनवरी टू द बिग वेव हिट दे। 2 जनवरी को खराब मौसम के बाद भी वेव ने इसको हिट किया एंड दे ट्राई टू स्लो द शिप डाउन बाय ड्रॉपिंग स्ट्रॉन्ग जिप एंड हिट अ हैवी मूनिंग।
रोप एंड लूप अक्रॉस द स्टम बट डजंट हेल्प मच। इन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो समुद्र की जिप थी और पतवार थी उससे इसको बचाने की कोशिश करी बट कुछ नहीं कर सके। दे कैरी देयर लाइफ रॉड ड्रिल एंड अटैच लाइफ टाइम डॉन लाइफ जैकेट एंड ऑयल स्किन। इन्होंने लाइफ को बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के जैकेट को पहन रखा था और उन्होंने अपने आप को पूरा पानी से बचने की भी व्यवस्था की थी। लेटर इन द इवनिंग अ वर्टिकल ह्यूज वेव स्ट्राइक शिप एंड नरेटर इन द थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप। और क्या हुआ, शाम को बहुत तेजी से एक वर्टिकल यानी सीधी तरंग टकराई और उसने जो नरेटर था वो उसको उसने शिप से अलग कर दिया। ही एक्सेप्ट द अप्रोचिंग डेथ एंड स्टार्ट लूजिंग कंसाइसनेस व्हेन द शिप इज अबाउट टू ओवरड्रम अ ह्यूज वेव अगेन एंड टर्न राइट बैक। ही सफर्ड इंजरीज इन रिब्स एंड माउथ। ही ग्रेव्स द गॉड रेल एंड सेल इन टू द शिप अ मेन। अब क्या हो गया, इन्हें डिसाइड ही कर दिया था कि इतनी बड़ी वेव जब टकराएगी तो मरना सुनिश्चित है, फिर भी उन्होंने इसके लिए अपना प्रयास जारी किया। ही इंस्ट्रक्ट हिज वाइफ मेरी टू गार्ड द व्हील एज ही रियलाइज दैट द शिप हैज वाटर इन द लोअर पार्ट। और अब इसने अपनी वाइफ मेरी को व्हील के पास जाने के लिए बोला क्योंकि उसको लग रहा था कि शिप के अंदर पानी भर रहा था। हिज क्रूमैन स्टार्ट पंपिंग आउट द वाटर। उसके क्रूमैन पंप से वाटर को निकाल रहे थे। द नरेटर goes to his children's cabin and check on them. His daughter Sue inform him about the bump of her head which is ignored because his major concern is to save the ship. वो अपनी बच्ची के पास गया लेकिन बच्ची ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो भी पूरी की पूरी शिप को बचाने में लगी हुई थी। The narrator does water proofing on the gaping holes. The make water to deviate the right side, the hand pump get blocked due to debris and electric pump get short to circulate it. अब उन्होंने सब कुछ पानी को निकालने का प्रयास किया लेकिन उनका पंप ब्लॉक हो गया और जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी उसने पानी को सर्कुलेट करना बंद कर दिया था। However, he later find the sphere इलेक्ट्रिक पंप एंड कंसेंट्रेट इट टू ड्रेन द वाटर। फिर इनका ध्यान इलेक्ट्रिक पंप पर गया और उसने पानी को बाहर निकाला। दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग। देयर मे दे कॉल और नॉट आंसर्ड एज दे आर इन द रिमोट रिमोस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उनका ये पंप भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा था और वे दुनिया के सबसे किनारे वाले पार्ट में चले गए थे जहां पर कोई कांटेक्ट इनका नहीं था। सू ऑन द अदर हैंड हैज नाउ अ सोलन ब्लैक आई एंड डीप कट ऑन आर्म। अब जो उसकी पत्नी थी उसकी आंखें फूल गई थी और उसको चोट लगी थी हाथों में। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय हर फादर अबाउट हर इंजरी She said, "He tells me she didn't. I wanted him to worry, as he was trying to save them. After 15 hours, the situation get under control." और इल्लो लगातार 15 घंटे तक पानी को निकालने का प्रयास करते रहे और इनने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया। The narrator decided to work in rotation and this. अब इन्होंने डिसाइड किया कि सब एक के बाद एक रोटेशन के बेस पर काम करेंगे और आराम करेंगे। द वाटर लेवल्स आर कंट्रोल बट द लीकेज वेयर स्टिल इन देयर बिलो द वाटर लाइन। लेकिन लीकेज को कंट्रोल, जो नीचे से पानी गिर रहा था उनको कंट्रोल किया गया लेकिन लीकेज था। द शिप इज इन अ बैड शेप नाउ। इट इज Not in a condition to reach Australia and so they decided to reach the nearest island. अब इनकी शिप अच्छी कंडीशन में नहीं थी
तो इनने डिसाइड किया कि जो पास का आइसलैंड है द्वीप है वहां चलेंगे, ना कि ऑस्ट्रेलिया। ले इंस्टम अ फ्रेंच साइंटिस्ट रेस एज सपोर्टिंग इंजन वेयर आल्सो डैमेज द चेंजेस ऑफ द शिप टू रीच द डेस्टिनेशन आर्लो। फिर भी इनका इंजन खराब था और उनके अपने डेस्टिनेशन यानी जहाँ पर पहुँचना चाहते वहाँ पर पहुँचने की संभावना कम थी। आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटिन्यूसली फॉर 36 आवर दे टुक अ साइग ऑफ रिलीफ। ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ वाटर आर लेफ्ट टू बी पंप्ड आउट ऑफ द बोट। अब इनको 36 घंटे की मेहनत के बाद इनको फायदा मिला और बोट में बहुत थोड़ा सा पानी बचा था। दे होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड मेन मास्ट वॉज डिस्ट्रॉय। पतवार और ऊपर की लकड़ी वगैरह जो थी वो खराब हो गई थी। दे एट देयर फर्स्ट मील इन 2 डेज और 2 दिन के बाद इनने खाना खाया था। सम कंसर्न बीफ एंड क्रैकर, इन्होंने बीफ और क्रैकर बिस्कुट खाए। द वेदर और सून स्टार्टेड चेंजिंग एंड अगेन द ब्लैक क्लाउड ओवर द बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी। हिज सन नॉट टोल्ड दैट ही डिडेंट fear that as long as they were all together, this filled him with determination to fight the sea. अब क्या हो गया? उन्हें इतनी जनवरी 5 को उनने ब्लैक क्लाउड फिर से देखे, लेकिन आइसलैंड पर पहुंच चुके थे और उसके बच्चे ने देखा कि अब हम मरने से बच गए क्योंकि हम सब लोग इधर। सारे बच्चे समरी को पढ़ लेंगे, मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज देता हूँ। ओके बाय।